हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि काइनेमास्टर में हम ऑडियो किस तरह से एडिट कर सकते हैं। देखिए, ऑडियो एडिट करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी लोग बिना माइक यूज़ किए वीडियो भी बनाते हैं, है ना। तो जब आप बिना माइक यूज़ किए वीडियो बनाएंगे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके लिए आपको ऑडियो की एडिटिंग करना आना ज़रूरी है। अब ऑडियो की एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, माइक यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें ऑडियो काफ़ी अच्छा नहीं आता है। तो उसके लिए आपको ऑडियो एडिटिंग आना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि काइनेमास्टर हम किस तरह से ऑडियो एडिट कर सकते हैं। तो काइनेमास्टर खोलता हूँ मैं, ये मैंने काइनेमास्टर खोल लिया। अब इसमें मैं वीडियो फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये प्लस के सिंबल पर गया मैं, एस्पेक्ट रेशियो मैंने चूज़ कर लिया। इसके बाद मैंने एक फाइल ले ली, ये मैंने फाइल यहाँ पे, ये फाइल मैं चूज़ कर ले रहा हूँ, ये मान लो मैंने ये वाली फाइल चूज़ कर ली। ठीक है, तो मैंने ये फाइल ले लिया। अब आप देखिए, मैं इसका डिस्टरबेंस होगा, ये मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के में किस तरह के सिस्टम्स होते हैं। अब आप देखो, इसमें वीडियो में क्या हो रहा है, आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, आवाज़ श्रिल आ रही है, मतलब क्या आवाज़ में तीखापन सा है, तो कान को वो जैसे आवाज़ है वो थोड़ी सी चुभेगी। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हमें इसकी ऑडियो एडिट करना ज़रूरी है। तो देखिए, एक तो हम ऑडियो डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, कहाँ से, काइनेमास्टर से। तो काइनेमास्टर से ऑडियो एडिट करने का सीधा सा ऑप्शन ये है, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से आप इसमें ये ऑडियो का सिंबल है यहाँ पे गए, यहाँ से आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो ऑडियो कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पिच, पिच से मतलब भारीपन से एक तरह से। तो आप देखो, इसमें पिच का मतलब इसीलिए फ्रिक्वेंसीज होता है। तो क्या इसमें क्या थर्मोडायनेमिक हुआ, सिस्टम के टाइप्स होते हैं? जैसे मैंने पिच को कम कर दिया तो इसकी जो श्रिलनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पिच का मतलब फ्रिक्वेंसीज होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो ज़्यादा पिच होगी, है ना। और फ्रिक्वेंसी का तीखापन से है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ी सी साउंड की टर्मिनोलॉजी है वो भी आना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़की होते हैं या बच्चे होते हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बोलने की वो ज़्यादा होती है, या उनकी जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू जो मेल बोलते हैं, ठीक है, उनकी वॉइस। तो आप अब इसमें पिच आप मैंने कम करके देखा, लेकिन पिच से इतना ज़्यादा आपको पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। तो पिच से अब जैसे जैसे आप पिच कम करते जाओगे तो आवाज़ का जो भारीपन है वो बढ़ता जाएगा जी। और जो आवाज़ का तीखापन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, श्रिलनेस है जो वो कम होती जाएगी। इसके बाद यदि आप देखेंगे, और मैं इसको और देखें, इसको मैं ये आगे बढ़ाऊँ इस तरफ, तो ये आवाज़ और पैनी होती जाएगी। ठीक है, पैनी हो गई। अब तो इससे कोई पर्पज़ ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, ये लेफ्ट राइट, इसमें हम क्या करते हैं, इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये सिंबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल है। ठीक है, इसी के हमें नीचे आना, कुछ क्लिक भी नहीं करना है इस पर, सीधा इस पर नीचे आएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे एडजस्टमेंट। आप एक्सट्रैक्ट ना करें तो डायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें एक एडजस्टमेंट EQ है, ये भी ऑडियो के लिए है। तो बेस आपको ये समझने की ज़रूरत है, इसमें बाकी काम का नहीं, बेस और ये बेस रिड्यूसर। तो बेस बूस्टर का मतलब होता है कि आपका जो लो फ्रिक्वेंसी वाले हैं,
तो बेस का मतलब ये होता है लो फ्रिक्वेंसी की जो वॉइस है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी की वॉइस को बढ़ाएंगे आप तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस है जिसमें पैनापन है वो वॉइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे आप इस वीडियो में देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के में किस तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो आप देखोगे इसमें जो आवाज का पैनापन था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब ये बेस रिड्यूसर में जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप। अब आपने बेस रिड्यूसर को बढ़ा दिया, बेस रिड्यूसर में गए मतलब इसमें आपका बेस कम कर दिया। बेस कम करने का मतलब ये है कि आपकी लो फ्रिक्वेंसी वाली जो वॉइस निकल रही थी उस वॉइस को आपने कम कर दिया। तो लो फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस को आपने कम कर दिया इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस ज्यादा देखेगी। तो इसलिए आप देखो इसमें पैनापन कितना आ रहा है, सीटीसी बज रही है। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के ये हुआ। आपको दो ऑप्शन ध्यान रखना, बेस बूस्टर और बेस रिड्यूसर। बेस को आप बूस्ट कर दोगे तो बैकग्राउंड जो वॉइस है ना, जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली बैकग्राउंड में वॉइस आ रही वो भी आना कम हो जाएगी। अब इसमें दो ऑप्शन और काम के, एक ट्रेबल बूस्टर और ट्रेबल रिड्यूसर। ट्रेबल बूस्टर का मतलब ये होता है कि आपने जो लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी वाली वॉइस है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे आप इसमें प्ले करके समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन। आवाज में तीखापन और बढ़ गया, शार्पनेस आवाज की जो है वो बढ़ गई। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के कम करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस आप यहां पे सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के दिखा रहा है मैं किस तरह के सिस्टम्स होते हैं, किस तरह हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो आप बेसिकली कौन से यूज करेंगे, ट्रेबल रिड्यूसर यूज कर रहे हैं कर सकते हैं या बेस बूस्टर को आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको आवाज का तीखापन कम करना है या बैकग्राउंड की आवाज को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब जैसे बेस बूस्टर मैंने किया था तो बेस बूस्टर में आप देख लो यहाँ पर ये। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के में किस तरह के सिस्टम्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स ये हुआ। अब इसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन एक और होता है, आप क्या कर सकते हो इसकी वॉइस को कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस को यदि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में मुझे एडिट करना है तो एक मैं इससे बाहर निकलता हूँ और दूसरे सॉफ्टवेयर में चलते हैं, ठीक है। तो जब मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाऊँगा तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में गया, अब इसमें क्या हुआ मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया इसकी वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस पर ये जैसे है इसकी जो वॉइस है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ऑडियो एडिट कर देता हूँ इसी का, जो मैंने इसकी ऑडियो की एडिटिंग की है उसके बाद इसको इसमें मिक्स कर दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें ऑडियो में गया ऑप्शन में और मैंने पहले से ये कर रखा है इसमें, तो मैं इसमें फोल्डर में गया जेम्स आर्टिस्ट, इसमें जाऊंगा मैं और ये मैंने हेलो फ्रेंड्स, यदि आप मोबाइल ये वाला नहीं है तो ये मैं आपको आप देखो मैंने यहाँ पर ये ऑडियो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है। तो ये ऑडियो पे मैंने क्लिक किया और ये ऑडियो मैंने हेलो एंड ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद यहाँ से इसको प्रोसेस कर देते हैं, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा।
यस हेलो एंड वेलकम टू दिस। तो प्रोसेस हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जाएंगे आप और यहाँ से इसको जो भी क्वालिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में ऑडियो एडिट कर सकते हैं थ्रू काइनामास्टर।